नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 13 5G versus Poco X6 Neo 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 13 में 6.64 इंच जबकि X6 Neo 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 13 से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 13 में 3 इंच जबकि X6 Neo 5G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 13 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 13 में 0.32 इंच जबकि X6 Neo 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 13 में 205 ग्राम जबकि X6 Neo 5G में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi 13 में LCD जबकि X6 Neo 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 13 में 6.79 इंचेस जबकि X6 Neo 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 13 में 1080x2460px FHD+ और X6 Neo 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 13 में 85.26% जबकि X6 Neo 5G में 88.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 13 में 396 पिक्सल प्रति इंच जबकि X6 Neo 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 13 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और X6 Neo 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 13 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X6 Neo 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और X6 Neo 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 13 में Adreno 613 जबकि X6 Neo 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 13 में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 और X6 Neo 5G में MediaTek Dimensity 6080 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 13 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि X6 Neo 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 13 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि X6 Neo 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 13 में Android V14 जबकि X6 Neo 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 13 में 5030 mAh जबकि X6 Neo 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 13 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X6 Neo 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 13 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco X6 Neo 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X6 Neo 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 13 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।